अधिनियम के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिनियम उपयोग पूर्ण रूप से प्रक्रिया हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक अपने निर्णय कंपनी के एक साबुन का निर्माता जो आदेश दिया कि प्राथमिकता उपभोक्ता प्रार्थी उपभोक्ता सरस्वती नारायण ने उसके द्वारा बनाया गया साबुन उत्तम उपयोग से नुकसान के लिए हर्जाना अदा करे। श्रीमती सरस्वती नारायण ने उत्तम कपड़े धोने के साबुन ₹22.50 में खरीदने का उपयोग किया। उस खरीदने के बाद हाथ में अल्सर जैसे निशान बन गए, जलन होने लगी। संबंध में परिवादियों द्वारा जिला मंच इटावा में परिवाद प्रस्तुत किया गया। विपक्ष को नोटिस जारी होने पर तरफ से कोई उपस्थिति नहीं हुआ। जिला मंच में प्राथमिक पक्ष में निर्णय देते ₹100 के हर्जाना देने का आदेश दिया गया। जिला मंच द्वारा निर्णय लिया गया कि असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में अपील की सुनवाई करते हुए माननीय राज्य सरकार द्वारा माना जिला मंच द्वारा साबुन उत्तम साबुन के उपयोग पर प्राथमिक के नुकसान के लिए सहमति दे पश्चात हर्जाना की मात्र ₹100 दिलवाना कम है। प्रार्थी ने अपने परिवार के 5 मदों पर ₹110 का खर्चा किया। उसमें ₹22 का साबुन विपक्षी पक्षों के भेजे गए पंजीकृत ₹24 पत्र ₹12 टाइपिंग का ₹150 आयोग ने माना कि ₹500 का नुकसान हुआ है। ₹500 का परिवाद व्यय करने का अदा किए जाने के लिए आयोग ने ₹1000 भी अदा करने का आदेश दिया। इस प्रकार आपने देखा कि श्रीमती सरस्वती नारायण को एक जागरूक उपभोक्ता है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पूर्ण ज्ञान है। उन्हें निर्माता धोखा नहीं दे सकता है। अतः आज उपभोक्ता संरक्षण कानून को बने लगभग 16 वर्ष बीतित हो गए हैं। आम उपभोक्ता के अपना लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को इसकी अधिकाधिक जानकारी देने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ता शिक्षा के अभाव में सबसे ज़्यादा शोषित होता है। उपभोक्ता कानून की जानकारी आम उपभोक्ता को पहुँचानी चाहिए ताकि वह अधिकारियों का अधिकाधिक लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकार द्वारा 2005 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया। यह कानून आम नागरिकों के साथ उपभोक्ता के संरक्षण देने के अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। इसके अंतर्गत भारत में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार व किसी भी पंजीकृत संस्था में प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार, किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के, किसी भी दस्तावेज का निस्तरीय निरीक्षण करना, किसी भी कार्य का निरीक्षण करना, किसी भी कार्य को उपयोग में लाने के लिए माल व नमूना प्राप्त करना, प्रत्येक सूचना प्राप्त करने का राज्य सरकार को ₹10 शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क नगद व पोस्टल आर्डर द्वारा संस्था द्वारा सूचना प्राप्ति के आवेदन के साथ जमा करवाना किया जाता है। जब सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्ति की 3 दिन के अंदर आवेदक को सूचना देनी होती है। ये आपका लेसन पूरा हुआ बच्चों। आप लोग 2 बार वीडियो देख लें तो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए ये शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र है। ऐसे शपथ पत्र आपको देना होता है सादे कागज़ पे। ये जिला मंच के लिए है, ठीक है।